अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और आज हम बनाएंगे बेबी कैप। और ये हम न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ भी के लिए भी बना सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं चकोर पीस ले लूँगी जो दोनों साइड से इक्वली एक ही बराबर होगा, यानी 22 लेंथ का। तो मैंने दोनों साइड से जो है देखिए 22 की लेंथ ले ली है। पूरा चकोर पीस हमें लेना है, यहाँ से भी हमने 22 की लेंथ ले ली है। ठीक है, ये मेरे पास जो है फैब्रिक है, इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे एंड देन ऐसे करके हम इसको फोल्ड कर देंगे। और ये हमारी मेरी छोटी सी बिल्ली है, मेरी प्यारी सी बेटी, ये हमें तंग कर रही है। अच्छा, हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम इस पर जो है एक चौक की मदद से और इंच टेप की मदद से एक गोल ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए लेंथ हमने जो है वो यही लेनी है। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर हम किनारे पर ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, यानी अगर हमारे पास 11 की लेंथ आ रही है क्योंकि हमने 22 लिया है, तो उसी को हम रखते हुए नापते हुए, ठीक है, ऐसे अच्छे से जो है हम क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की शेप देते हैं सेम उसी तरह से। ठीक है, अब हम इसकी जो है कटिंग करेंगे। एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि ये हमारा बन साइड है। ठीक है, यहाँ से हमने नहीं करनी, जो ये हमारे चार साइड खुले हुए हैं इस तरफ से हमने अपने गुलाई की शेप देनी है। ये हो गई हमारी गुलाई की शेप। अब हमने मशीन से, सिलाई मशीन से इसको यहाँ से पूरा सी लेना है किनारे किनारे पर से। ठीक है, तो मैं ये सी के आपको दिखाती हूँ। अब मशीन की मदद से हम इसको बिल्कुल किनारे किनारे पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने इसको बराबर रख के सिलाई लगा ली। ये देखिए, ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है ऊपर का कपड़ा, तो हम इसे भी ऐसे काट कर बिल्कुल बराबर कर देंगे। अब हमें चाहिए होगा सुई धागा। सुई धागे की मदद से हम इसमें चुने देंगे, और वो कैसे देंगे वो हम आपको बताते हैं। अब हम सुई धागे की मदद से इसको ऐसे किनारे से नॉर्मली चुने देने की एक प्यारी सी कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको यहाँ से सी लिया। यहाँ से मैंने इसको एक तरह से ग्रिड पका बना ली है। अब आप चाहें तो क्या कहते हैं इसे हाथ से पहले सी लें उसके बाद डायरेक्ट मशीन करें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से मशीन से इसको पक्का करके निकाल लूँगी। ठीक है, तो अब हमने इसका जो है टोपा सी लिया। देखिए ये हमारी कुछ इस शक्ल का निकलेगा। अब इसे हम कवर करने के लिए, सिलाई को कवर करने के लिए हम इसके अंदर मोतियाँ लगाएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अब इसके अंदर जो है वो बिट्स लगा लिए हैं। ठीक है, जहाँ तक हमने इसे टोपे को बंद किया था सिलाई करके कि वो हिस्सा छुप जाए, तो सिलाई हमारी सारी इन बिट्स की वजह से कवर हो चुकी है। अगर आपके पास मोतियाँ नहीं हैं तो आप कोई अच्छी प्यारी सी लेस लगा सकते हैं, कोई अच्छी खूबसूरत सी प्यारी सी कोई पट्टी हो, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो टोपा शोपा जो भी है ये बनकर एकदम रेडी है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इजी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।